हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई हूं आप लोगों के लिए न्यू पिकअप आइल रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है हमारी कि आपके फ्रेंड्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, एंड ये रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है, क्या ब्लॉकेज है, एंड डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहती है, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरा थोड़ा सा ब्लॉक है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार नहीं, एक्चुअली इस बार है हमारे पास 2 पाइल, मैक्सिमम मेरे पास 3 पाइल्स होते हैं। पाइल नंबर 1 एक्सप्रेस योर लव, एंड पाइल नंबर 2 लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। पाइल नंबर 1 एक्सप्रेस योर लव, पाइल नंबर 2 लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। सो लेट्स डू मेडिटेट एंड सेलेक्ट द वन जहाँ पर भी इंट्यूशन जा रही है, ठीक है? आपको एक ही चूज़ करना है एंड उसी पे जाकर अपनी वीडियो को यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके चेक करना है। टाइम्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। समटाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम्स थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, बट मेरे सब्सक्राइबर्स उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देते हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत क्यूट और बहुत इनोसेंट और काइंड हार्टेड हैं। आई होप कि आपने अब तक अपना पाइल चूज कर लिया होगा। चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने चूज किया है एक्सप्रेस योर लव। देखिए, इसमें डिवाइन कहती हैं कि आपके लिए सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को लव करते हैं तो समटाइम लव जताना भी इंपॉर्टेंट है, और समटाइम अगर वो उसके केयर नहीं कर रहा तो सेल्फ लव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम खुद को लव करेंगे उतना ही लोग हमें लव करेंगे। क्योंकि लिखा हुआ है एंड दैट एक्शन विल प्रोडक्ट अ लाइक रिएक्शन, ठीक है? तो हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो हमें खुद को लव करना है ताकि हम मैग्नेट बन जाएं और बाकी के लोग भी हमें लव कर सकें। और अगर हम किसी को बहुत लव करते हैं और अभी तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूरत है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, बिकॉज कभी कभी कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करने के बाद ही क्लियर हो पाती हैं। अब हम लोग चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंटली वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे जैसे रेजोनेट करे वो आप रख लें एंड बचा हुआ छोड़ दें। क्योंकि अगर आपसे कुछ चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए होंगी, आपके लिए नहीं होंगी। फर्स्ट कार्ड है हमारा 2 ऑफ कप्स, अमेजिंग एंड वेरी लविंग कार्ड। एंड सेकेंड कार्ड निकालते हैं पाइल 1 के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओम साई राम। 6 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज आवर किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी पाइल 1 कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस या फिर एरीज लियो सजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है? एंड मुझे जो करेंट फीलिंग्स दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं कि कमिटमेंट देना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं। हो सकता है कि पहले उनके पेरेंट्स ना मान रहे हों या फिर आपके पेरेंट्स ना मान रहे हों, जिसकी वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे किसी टाइम पर, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि ये रिश्ता काफ़ी बिगड़ गया है, बट अब वो चाहते हैं आपसे इन चीज़ों को दोबारा डिस्कस करना, रीडिस्कस करना, आपकी तरफ दोबारा बढ़ना। अगर आपके पार्टनर कैरियर को लेकर आपको एक सेपरेशन फेज में रखा था, कैरियर को लेकर इन एंड आउट होते थे, तो मैं बता दूं कि कैरियर में जो वो चाहते थे वो अचीव कर चुके हैं, अब वो कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो उनकी करंट फीलिंग्स काफ़ी अच्छी हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ऑब्सेसिव है आपके लिए, पोजेसिव है आपके लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इनके हैं, ठीक है? किसी भी हाल में ये आपको किसी और पर्सन के साथ नहीं देख सकते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में। इस टाइम आपको लेकर बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। इस टाइम ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैशनेट है आपको लेकर या फिर इस रिश्ते में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, इस रिश्ते में इमोशनल बॉन्ड भी बहुत गहरा है। वो आपको इमोशनली भी बहुत अच्छी तरह से मिस कर रहे हैं, और इमोशनली वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। तो देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, कार्ड्स क्या बताते हैं, पाइल 1 की करंट एनर्जीज क्या हैं। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड हमारा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो स्वीट। एंड सेकेंड कार्ड है हमारा 3 ऑफ कप्स इज इन रिवर्स, ओके, एंड द लवर्स एंड द एम्प्रेस, ये अपने आप कार्ड्स आए हैं और मैंने लेना चाहती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल।
पाइल वन जिन्होंने चूज किया है, मैं बताना चाहूंगी कि आप इस टाइम मतलब इस वीडियो के लिए इतने बेकरार है ना कि कार्ड्स उछल उछल कर आपके लिए गिर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हैं इस रिश्ते को लेकर कि मेरे तक बहुत फास्ट में आ रही है। हो सकता है पाइल वन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ये कार्ड्स बताते हैं कि इस पार्टनर ने आपके साथ बहुत इन एंड आउट किया है और ये इन एंड आउट उन लोगों के पार्टनर्स ने किया है जिनको फाइनेंस का इशू है, कैरियर का इशू है। दैट मीन्स वो कैरियर में स्टेबिलिटी चाहते थे या फिर हो सकता है फैमिली का इशू हो, फैमिली में स्टेबिलिटी चाहते थे बिकॉज कुछ लोगों में ड्यू टू फैमिली, ड्यू टू फ्रेंड्स, ड्यू टू रिलेटिव्स आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उनके फादर की वजह से भी मोस्ट प्रोबेबली, कि उनके फादर ने उनको कंट्रोल किया हुआ है और इस रिश्ते में वो हाँ नहीं बोल रहे हैं। तो इन एंड आउट की वजह से आप बहुत परेशान हैं और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन के यू नो प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, लाइक ये टाइम मांग रहे हो या फिर ये ऐसा कह रहे, इन एंड आउट होते हैं, कुछ ढंग से बता नहीं रहे हैं और आपको गुस्सा आ गया हो और आपने बोल दिया हो कि मुझे तो बात ही नहीं करनी है। थ्री ऑफ कप्स इज इन रिवर्स, आपको बात ही नहीं करनी है, लेकिन स्टिल यू आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड विद योर पार्टनर और आपके पार्टनर भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं। इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं कि आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। ठीक है, बरसों से जानते हैं, आपको लगता है कि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, आपके पर्सन डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में हैं। देखिए सभी लोग ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, लेकिन जिनमें कनेक्शन बहुत डीप होता है तो उनको समटाइम लगता है। तो स्टिल कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये पाइल चूज किया ट्विन फ्लेम्स, कुछ लोग सोलमेट्स भी हो सकते हैं एंड कुछ लोगों का कनेक्शन इतना डीप होता है कि उन्हें ऐसा फील होता है। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल, आपने उनसे खुद को अलग करने की कोशिश तो की है, आपने खुद पे वर्क करने की कोशिश की है, आपने सेल्फ लव करने की कोशिश की है और आप अपना लव एक्सप्रेस करते करते थक गए हैं इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन ने अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दिया, कोई डिसीजन तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, लेकिन अब आप डिवाइन फेमिनाइन दैट मीन्स द एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। अब आप एक ऐसी एनर्जी में हैं कि जब आपने सारा काम अपनी तरफ से कर लिया है और आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ गए हैं कि अब जो करना है इस पर्सन को करना है, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा, ये पर्सन आपको अपने लाइफ में लेके जाएगा, ये पर्सन रिकनसाइल करेगा, रीयूनियन करेगा, जो भी करेगा ये पर्सन करेगा। आप इस टाइम खुद में कंप्लीट महसूस करते हैं क्योंकि आपको इस पर्सन ने बहुत परेशान कर दिया था इन एंड आउट करके, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करके। हालांकि अभी पूरी तरह से इसने रिजेक्ट नहीं किया आपको, ठीक है, लेकिन स्टिल आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे, लेकिन इस टाइम आप काफ़ी बैलेंस हैं, आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, आप खुद को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, आप खुद की लुक पे ध्यान दे रहे हैं, आप खुद की फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप खुद के यू नो वियरिंग स्टाइल, फैशन स्टाइल, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक कंफर्टेबल जोन और रिलैक्स जोन लेकर आ रहे हैं। ठीक है,